हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास कल से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि 2 अक्टूबर को जिन छात्रों की स्कॉलरशिप आई है, उसके बाद हमारी स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी, यानी कि 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे जो बचे हुए छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी, प्लस पिछले साल की सेकेंड इंस्टॉलमेंट जिनकी नहीं आई थी उनकी आने की कब तक संभावना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और आप अपनी स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपना स्टेटस कहां से चेक कर सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप का, क्योंकि 2020-21 सेशन का अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आपकी स्कॉलरशिप आने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, आपको बताते हैं कि कहां से आप लोग अपना स्टेटस देख सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि 2021-22 और 2020-21 की किन छात्रों की स्कॉलरशिप आने की संभावना है और कब तक आ जाएगी। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपना स्टेटस कहाँ से चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि किन छात्रों की स्कॉलरशिप 2 अक्टूबर के बाद आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2021-22 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप एक न्यू पेज पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग 3 से 4 लिंक्स देख सकते हैं, जहां पे आप लोग अपना प्री मैट्रिक का, पोस्ट मैट्रिक का, इन पोस्ट मैट्रिक अदर देन का स्टेटस देख सकते हैं। प्लस यहां पे आप लोग अपना आधार लिंकिंग स्टेटस भी चेक कर सकते हैं बैंक के द्वारा, सिंपली आपको यहां पे क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। प्लस आप लोग यहां से अपना PFMS का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, मगर PFMS की वेबसाइट जो अभी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही। और यहां पे आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं अगर आपने 2021-22 का ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइज, आप लोगों ने चेक कर लिया स्टेटस किस तरह से देखना है। पिछले साल की स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं छात्रों की आएगी जो SC ST से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी OBC जनरल वालों की नहीं आने की। ये बात बिल्कुल क्लियर है, सेशन 2020-21 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड इंस्टॉलमेंट की, तो देखिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी सिर्फ SC कैंडिडेट्स की ही आएगी, माइनॉरिटी OBC जनरल की नहीं आने की सेशन 2020-21 की। अब बात आती है सेशन 2021-22 यानी कि जो प्रेजेंट सेशन चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट वाले की जो बात कर रहे हैं हम, ये उन छात्रों की स्कॉलरशिप आई जिन्होंने सबसे पहले फॉर्म फिल कर दिया था, यानी कि अगस्त में ही फॉर्म फिल कर दिया था और कॉलेज से वेरीफाई करा के डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी वेरीफाई करा लिया था, उनकी स्कॉलरशिप 2 अक्टूबर को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। जिन छात्रों के फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो चुके, उनके पास मैसेज आ चुका, तो आप लोग 1 वीक वेट कर लिए, आपकी जो स्कॉलरशिप वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। मगर अब बात आती है जिनके फॉर्म अभी तक फिल नहीं हुए या फिर डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई नहीं हुए, उनके पास मैसेज नहीं आया, कॉलेज से वेरीफिकेशन का मैसेज नहीं आया, उनकी कब तक आएगी। तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो 27 दिसंबर 2021 से आना स्टार्ट हो जाएगी और 26 जनवरी तक सभी छात्रों की स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है अब इलेक्शन भी है नेक्स्ट ईयर, तो ऐसे में जो स्कॉलरशिप का देने का प्रोसेस है वो 1 महीने पहले कर दिया गया है, 27 जनवरी की जगह 27 दिसंबर से। तो अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती तो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।